रहता है। मतलब साफ है कि इसराइल से जंग का ईरान को आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए रिपोर्ट। इस हमले से कुछ घंटे पहले दक्षिणी लेबनान में इजरायली टैंकों ने यूएन की एक इमारत पर अटैक किया। इस हमले में यूएन पीस कीपिंग फोर्स यानी यूनिफिल के दो सदस्य घायल हो गए। ये दोनों इंडोनेशिया के नागरिक हैं। यूनिफिल शांति रक्षक मिशन 1978 में बना था। ये इस इलाके में पड़ोसी देशों के बीच दुश्मनी रोकने और दक्षिणी लेबनान के लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए गठित किया गया था। लेबनान में इस वक्त यूनिफिल के 10,000 शांति रक्षक सैनिक हैं। इनमें 50 देशों का योगदान है। इसके अलावा इसके 800 सिविलियन स्टाफ हैं। यूनिफिल दक्षिण लेबनान में दो कथित ब्लू लाइन के बीच काम कर रही है। यूएन पीस मिशन की टीम पर हमले के बाद इटली, फ्रांस और इंडोनेशिया जैसे कई देशों ने इसराइल से जवाब मांगा है। हिजबुल्ला ने कहा कि उसने नकोरा में भी जमीन पर मौजूद इजरायली सैनिकों पर रॉकेट दागे और इस इलाके में आ रहे एक टैंक को गाइडेड मिसाइल से नष्ट कर दिया। इससे पहले लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि पूर्वी लेबनान के करके गांव पर इजरायली हमले में 4 लोग मारे गए और 17 लोग घायल हो गए। इजरायल के अंधाधुंध हमलों के बीच हिजबुल्ला ने इजरायल के हाइफा की खाड़ी को निशाना बनाया है। ताबड़तोड़ करीब 100 रॉकेट दागे हैं। कुछ को इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन कुछ गिरे जिससे 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 जख्मी हो गए। किरियत शमोना में 20 रॉकेट गिरे, मौत भी यही हुई है। ऐसा लग रहा है कि इसराइल की सबसे कमजोर नस साबित हो रहा है हाइफा का इलाका। हिजबुल्ला, हूथी, ईरान सबके निशाने पर हाइफा ही है। यरूशलम और तेल अवीव के बाद इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है हाइफा। 2022 के मुताबिक यहां करीब 3 लाख लोग रहते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा बहाई समुदाय के लोग रहते हैं। माउंट कार्मेल के पठारी ढलानों पर बसे इस शहर का इतिहास 3000 साल पुराना है। 1948 की फिलिस्तीन जंग में जब हाइफा में युद्ध हुआ तो यहां के अरब आबादी शहर छोड़कर भाग गई थी। इसके बाद यह शहर इसराइल का हिस्सा बन गया। हाइफा एक बंदरगाह शहर है। इसराइल का हमला घातक और पीन पॉइंट एक्यूरेट होता है, जिससे हुई तबाही की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। अब सवाल है कि इजरायली हमलों के बीच मध्य पूर्व में युद्ध छिड़ने का खतरा कितना बड़ा है। असल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त तुर्कमेनिस्तान में हैं। कहने के लिए तो पुतिन 18वीं सदी के कवि की 300वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं, लेकिन इस बीच रूस के राष्ट्रपति ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से भी मिल रहे हैं। 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद उसके ईरान के साथ संबंध गहरे हुए हैं। ईरान ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में लगातार रूस की मदद की है। 2022 के अंत में ईरान ने सैकड़ों ड्रोन रूस भेजे, साथ ही ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग के लिए रूसी सेना को ट्रेनिंग भी दी, जिससे रूस की यूक्रेन के मोर्चे पर बहुत मदद हुई। लेबनान के खिलाफ इसराइल के हमलों के बीच नेतन्याहू की नज़र ईरान से बदले पर है और ईरान टारगेट बनता है तो जाहिर है पलटवार करेगा। और फिर तीसरे विश्व युद्ध के प्रारंभ से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि रूस, अमेरिका, चीन सबके लिए ये बदले का वक्त होगा। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए।